इस एपिसोड में हम हाथियों की अद्भुत बुद्धिमत्ता के बारे में बात करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आगे आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देख सके। अब चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर एक, हाथियों की याददाश्त अविश्वसनीय होती है। हाथी अपनी अविश्वसनीय याददाश्त के लिए जाने जाते हैं। उन्हें जल स्रोतों और भोजन के स्थानों को याद करते हुए साथ ही पहले मिल चुके अन्य हाथियों को पहचानते हुए देखा गया है। याद रखने की यह क्षमता हाथियों के लिए जीवित रहने का एक मुख्य तरीका मानी जाती है, जो उन्हें अपने वातावरण में नेविगेट करने और खतरे से बचने की क्षमता प्रदान करती है। फैक्ट नंबर दो, हाथी विभिन्न तरीकों से एक दूसरे से संवाद करते हैं। हाथियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने की उनकी क्षमता के लिए भी जाना जाता है। वे अपने झुंड के अन्य हाथियों तक जानकारी पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का उपयोग करते हैं, जिनमें तुरही, घुरघुराहट और गड़गड़ाहट की आवाजें शामिल हैं। वे एक दूसरे को छूने और सूंघने के लिए अपनी सूंड का उपयोग भी कर सकते हैं, जो संवाद का दूसरा रूप है। फैक्ट नंबर तीन, हाथी अविश्वसनीय रूप से सामाजिक प्राणी है। हाथी अविश्वसनीय रूप से सामाजिक प्राणी हैं और समूहों में रहते हैं, जिन्हें झुंड कहा जाता है। इन झुंडों का नेतृत्व आमतौर पर एक कुलमाता मतलब मैट्रियार्क हथिनी द्वारा किया जाता है, जो समूह की सबसे बुजुर्ग और सबसे अनुभवी महिला हाथी होती है। वो झुंड को भोजन और जल स्रोतों तक ले जाने के साथ साथ उन्हें शिकारियों से बचाने के लिए जिम्मेदार होती है। फैक्ट नंबर चार, हाथी विभिन्न प्रकार की भावनाओं में सक्षम होते हैं। हाथी खुशी, दुख और यहाँ तक कि आत्म जागरूकता सहित भावनाओं में सक्षम होते हैं। उन्हें अपने मृतकों पर शोक मनाते हुए, संकट में पड़े अन्य हाथियों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए और एक दूसरे के साथ खेल खेलकर हास्य की भावना प्रदर्शित करते हुए देखा गया है। फैक्ट नंबर पाँच, हाथी समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न चीजों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें दुर्गम स्थानों पर खुद को खरोचने के लिए लाठियों का उपयोग करते हुए और मक्खियों को भगाने के लिए शाखाओं का उपयोग करते हुए देखा गया है। वे अपना खाद्य, जैसे पेड़ों की टहनियों को तोड़ने के लिए अपनी सूंड का उपयोग करते हैं। फैक्ट नंबर छह, हाथी आत्म जागरूकता प्रदर्शित करते हैं। हाथियों को आत्म जागरूकता प्रदर्शित करते हुए देखा गया है, जो एक ऐसा गुण है जिसे मनुष्यों और कुछ अन्य जानवरों के लिए अद्वितीय माना जाता है। एक अध्ययन में हाथियों को आईने में खुद को पहचानने में सक्षम दिखाया गया, जो आत्म जागरूकता का संकेत है। फैक्ट नंबर सात, हाथी जटिल समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होते हैं। हाथी जटिल समस्या समाधान में सक्षम होते हैं। एक अध्ययन में हाथियों को अपनी सूंड का उपयोग करके एक मंच को हिलाने और पहुंच से बाहर रखे हुए फल के टुकड़े को निकालने में सक्षम पाया गया। वे समस्या को हल करने के लिए आवश्यक कदमों का सही क्रम भी याद रखने में सक्षम थे। फैक्ट नंबर आठ, हाथियों की सूंघने की क्षमता अद्भुत होती है। हाथियों में सूंघने की अद्भुत क्षमता होती है। वे मीलों दूर से जल स्रोतों का पता लगा सकते हैं और लंबी दूरी तक अन्य हाथियों की गंध को ट्रैक करने में सक्षम होते हैं। वे शेर और लकड़बग्घे जैसे शिकारियों का पता लगाने के लिए अपनी गंध की क्षमता का भी उपयोग कर सकते हैं। फैक्ट नंबर नौ, हाथी इंफ्रासाउंड का उपयोग करके एक दूसरे से संवाद करते हैं। हाथियों के पास एक दूसरे के साथ संवाद करने का एक अनोखा तरीका होता है, जो मनुष्यों को सुनाई नहीं देता है। वे इंफ्रासाउंड नामक एक प्रकार की ध्वनि का उपयोग करते हैं, जो एक कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि होती है, जो मानव श्रवण की सीमा से नीचे होती है। इंफ्रासाउंड लंबी दूरी तक यात्रा कर सकता है, जिससे हाथियों को विशाल क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ संवाद करना पॉसिबल हो जाता है। फैक्ट नंबर 10, हाथियों का मनुष्यों के साथ घनिष्ठ संबंध है। अंततः दुनिया के कई हिस्सों में हाथियों का मनुष्यों के साथ घनिष्ठ संबंध देखा गया है। इनका उपयोग पूरे इतिहास में परिवहन, श्रम और यहाँ तक कि युद्ध के लिए भी किया जाता रहा है। आज हाथियों का उपयोग अक्सर पर्यटन में किया जाता है। कई कंपनियां हाथी की सवारी और अन्य अनुभव प्रदान करती हैं। हालांकि इन अद्भुत प्राणियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए नैतिक और जिम्मेदार पर्यटन ऑपरेटरों को चुनना महत्वपूर्ण है। खैर,
आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हाथियों की अद्भुत बुद्धिमत्ता और उनकी आकर्षक विशेषताओं के बारे में अधिक जानने में मजा आया होगा। आपको कौन सा तथ्य सबसे दिलचस्प लगा, नीचे टिप्पणी करके हमें बताएं। और हमेशा की तरह, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और अधिक रोचक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट factober.com को विजिट करें।